पंजाब की तब्दीली हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी की तकरीब कल होगी। सूबे के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को शिरकत की दावत। वज़ीरे आज़म इमरान खान तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार की टीम में कितने वज़रा पास और कितने फेल, सब ने लाहौर की इस अहम तकरीब पर नजरें जमा ली। मुट्ठी भर लोगों के शौक बसंत की मुखालफत में इजाफा, खूनी खेल के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। बसंत से गर्दन कटती है, बेशुमार जानें जाया होती हैं। अदालत फैसला कालाधम करार दे, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी। बसंत मनाई जाएगी या नहीं, अभी हतमी फैसला कोई नहीं। चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर ने हुकूमती ऐलान की तरदीद कर दी। यूसुफ नसीम खोखर का कहना है कि बसंत मनाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। साबिका कमेटियों ने बसंत की मुखालफत की, इन मामलों को देख रहे हैं, इंसानी जान को दांव पर नहीं लगा सकते, हुकूमत ऐसे ही फैसला नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है किसी भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, तो जब तक कोई उस हवाले से एश्योरेंस नहीं होती तो उस वक्त तक हुकूमत भी एक फाइनल फैसला करने से पहले सोच के ही करती। ये एक फैसला था जो असली तौर पे हुआ था और उसकी अभी वर्कआउट डिटेल्स हो रही हैं, और मेरा ख्याल है अगर चब्जुडिस हो गया तो फिर इट इज़ फॉर द ऑनरेबल कोर्ट। खूनी खेल बसंत के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर आ गई। जे आई यूथ के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा, बसंत नामंजूर नामंजूर के नारे। बसंत के हवाले से अदालत जो फैसला करेगी कबूल करेंगे। पाकिस्तानी कल्चर में भारतीय सकाफत को सपोर्ट नहीं करेंगे। 6000 फनकारों की फैमिली को 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे। फयाजुल हसन चौहान का कजाफी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा और दीगर मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। नैब की एहतसाब अदालत को शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ 2-3 रोज में रेफरेंस दायर करने की यकीन दहानी। डीजी नैब शहजाद सलीम के रमजान शुगर मिल्स की तहकीकात पर चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जामिया पॉलिसी तश्कील दे दी है। नैब अफसरान तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ की तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को मरासला जारी कर दिया। तिबी मुआयने के लिए पिम्स में मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, गुर्दे जिगर खून के मुकम्मल टेस्ट करवाए जाए, मरासला। नैब में सरगोधा यूनिवर्सिटी स्कैंडल केस, गिरफ्तार मियां जावेद कैंप जेल में जां बहक। दिल का दौरा पड़ने पर जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जां भर ना हो सके। जेल हुकाम का मौकिफ, एहतसाब अदालत ने मियां जावेद को अक्टूबर में नैब की हिरासत से जुडिशल किया था। नैब हुकाम का मियां जावेद की मौत पर गहरे दुख का इजहार। लाहौर के व्हाइट हाउस की लाकानूनियत का मामला, खोखर बरादरान ने एलडीए के शोकास नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। इलाम इकबाल टाउन ने खोखर पैलेस का नक्शा पास किया, 6 माह में घर मुकम्मल हुआ। घर का बिल्डिंग प्लान दोबारा एलडीए से मंजूर करवाने के लिए तैयार हैं। तमाम इदारों के वाजिबात भी जमा करवाएंगे, बराए मेहरबानी शोकास नोटिस को वापस लिया जाए। खोखर बरादरान का जवाब कॉपी, लाहौर न्यूज को मौसू। सरकारी महकमों में आतिशबाजी की जुडिशल इंक्वायरी का मामला, अफसरान इंक्वायरी ट्रिब्यूनल को ही चक्कर दे गए। आतिशबाजी के वाकयात से मुतालिक दुरुस्त डाटा फराहम न करने का इंकशाफ, ट्रिब्यूनल का फराहम करदा मालूमात पर अदम एतमनान का इजहार। महंगाई का सुनामी ना रुक सका, लोगों की अजियत में मजीद इजाफा। दालों और बेसन के बाद अब मैदा भी महंगा। बेकरी मालिकान ने अपनी मसनूआत की कीमतों में अस खुद इजाफा कर दिया।
छोटी डबल रोटी 45 से 50 रुपए कर दी गई, फ्रूट केक 10 रुपए, शवारमा ब्रेड 5 रुपए महंगी, 25 दिसंबर से 18 रुपए वाला बन 25 रुपए में मिलेगा। अदविया सास कंपनीज की अजारादारी या कुछ और, मेडिकल स्टोर्स पर मिर्गी की अदवायात का स्टॉक खत्म होने के करीब, दिगर मार्केटों में अदवायात नायाब हो गई। 245 रुपए में मिलने वाली गोलियों का पैकेट 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। सिक्योरिटी खदशात, मीनारे पाकिस्तान बदस्तूर आवाम के लिए बंद, मीनारे पाकिस्तान सयाहों के लिए नो गो एरिया करार, मीनारे पाकिस्तान 11 साल 9 माह बाद भी खुल न सका। 2013 में मीनार के गिर्द जंगला लगाकर पूरे इलाके को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, मीनारे पाकिस्तान कब आवाम के लिए खुलेगा, इंतजामिया खामोश, शहरियों का मीनारे पाकिस्तान को खोलने का मुतालिबा, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। ये जंगला इन्हें हटा देना चाहिए, असल में ना ऊपर कचरा लोग बहुत करते हैं, तो कम से कम इन्हें यहाँ तक इन्हें देना चाहिए कि लोग कम से कम उसे जाके हाथ लगा सके। दोस्त पहले गए हुए ऊपर, जब खोला होता था और बता रहे थे कि काफी अच्छी व्यू है, और बंद करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत करनी है सुसाइड या कुछ, वो कोई और तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल खोलना चाहिए, इंजॉय होता है। ये जंगले लगा दिए हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं है, पहले रौनक होती थी, अभी रौनक नहीं है। हेलमेट ना पहने वाले हो जाए होशियार, अब घरों को जाएंगे चालान के परवाने, जस्टिस अली अकबर कुरैशी का बड़ा ऐलान। हाईकोर्ट के हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ ई चालान घरों में भेजवाने का हुक्म, ट्रैफिक कानून पर मनोअन अमल कर रहे हैं सीटीओ लियाकत अली मलिक, अदालत ने 24 दिसंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हमारे अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी, जुडिशरी ने मुश्किल हालात में काम किया, गलत फैसले करने वाले जज के साथ जिंदगी भर मुतासरीन की बददुआएं रहेंगी, नए भर्ती होने वाले जजेस इदारे के वक़ार और एहतराम में इजाफे का बाइस बने, वकला और जजेस में फैसलों पर इख्तलाफ राय नहीं होता, रवैयों पर होता है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अनवारुल हक का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब, सिविल जजेस के 6 माह प्री सर्विस ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर असनाद भी तकसीम की गई। पंजाब हुकूमत का 5 माह में मेयर लाहौर को पहला हुक्म, क्रिसमस बाजार के इनेकाद की जिम्मेदारी बल्दिया उस्मा को तफवीज, सेक्रेटरी बल्दियात ने लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद को 5 क्रिसमस बाजार लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। शहर की 6 यूनियन काउंसिल्स में जिमनी इलेक्शन, 4 सीटों पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा, 2 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नाम कर ली। इस्लामपुरा से पीटीआई उम्मीदवार अजीम रहमान 410 वोट लेकर कामयाब रहे, ताजपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फारूक अहमद 595 वोट लेकर मुंतखब, मंजूर आबाद से नून लीग के अधीर अहमद 442 वोट लेकर जीत गए, गवाल मंडी से नून लीग के अमजद हुसैन 241 वोट लेकर फतह करार, बीबी पाक दामन के इलाका से नून लीग के राहिल हुसैन मुंतखब, पिंडी राजपूत से नून लीग के असगर भट्टी ने मैदान मारा। महकमे तालीम का जापानी ऑडिट, मंसूबों में कितनी करप्शन हुई, हुकूमत का लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला, जापानी ऑडिट एजेंसी माली मुआवनत करेगी, ऑडिट रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। जहां मर्जी जाएं लेकिन अपने खर्चे पर, सफरी मौजें खत्म हो गई, महकमे खजाना ने स्कूल असातिज़ा का सफरी अलाउंस बंद कर दिया, अलाउंस सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद किया गया। लड़ाई झगड़ों में मेडिकल लीगल की सहूलत का दायरा कार बढ़ाने का फैसला, आईजी पंजाब ने मंसूबे को तहसील की सतह पर शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए, तमाम आरपीओस और डीपीओस को हुक्मनामा जारी। ताजे बिरादरी का शाहआलम मार्केट में ऑपरेशन पर तहफुजात का इजहार, सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं ऑपरेशन अपनी डगर से हट गया, तजावुजात माफिया से मुकमका हो गया, प्लाजे वालों को छोड़कर छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया गया।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी इफ्तिखार दुरानी का दाता दरबार पनाहगाह का दौरा, आरजी शेल्टर होम में मुकीम लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा, डीसी लाहौर भी हमरा, लोगों में खाना तकसीम किया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत कॉलोनी में पंजाबी मेला, तालिबात ने ही रांझा ड्रामा पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी, शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाली तालिबात में इनामात तकसीम। और स्मगलिंग केस में गिरफ्तार स्मगलर हसीना क्रिसमस जेल में गुजारेंगी, क्रिसमस का त्यौहार रोकर और सोकर गुजारूंगी, प्रेसा की अदालत में गुफ्तगू, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए पुरउम्मीद। Thank you.